से ये आई सदा प्यार की उफक से उठी है घटा प्यार की बड़ी दिल नशी बादलों की ये सरगम है कितना जालिम वफा का ये मौसम एक बात कहूँ पता नहीं मुझे कहनी चाहिए भी कि नहीं पर मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता और जब भी आपको रोते हुए देखता हूँ मेरा भी दिल भर आता है। कोमल को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। धोखा दिया है कोमल ने मुझे। अपने बाप के हाथों बेइज्जती करवा दी। वैसे अम्मी आई तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो स्पेशली थैंक्स करूँगी तुम्हारे हस्बैंड का कोमल कॉल करके उन्हें कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा खास अम्मी का ख्याल रखने के लिए। पीपू बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पापा मुझे नींद नहीं आ रही। 2 बज रहे हैं रात के, सुबह कैसे उठोगे? पापा आपसे एक बात पूछूं? अच्छा जल्दी से पूछो। पापा सबकी मम्मा उनके पास होती है, मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी, फिर कोमल आंटी मेरी मम्मा बनी, तो अब वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? वो आपको छोड़कर नहीं गई है, वापस आ जाएंगी। आप रोज यही कहते हैं पापा, मगर मुझे पता है वो नहीं आएंगी। आप उनसे कहना प्लीज के टीपू उन्हें तंग नहीं करेगा, दूध भी पी लेगा, होमवर्क भी कर लेगा, बस वो आ जाए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि वो आ जाए, और ये भी कह दूंगा कि टीपू बहुत मिस करता है उनको, ठीक है ना? फिर वो आ जाएंगी। सच कह रहे ना पापा, कोमल आंटी आ जाएंगी ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो आ जाएंगी। अब सो जाओ। के पापा। बेगम साहब जूस? नहीं आलिया बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा, वापस ले जाओ। हेलो, कैसी हो कोमल? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? ये बताओ मरियम की तबीयत कैसी है? जी फूफो अब बेहतर हैं, पहले से मैंने सूप पिलाया, उन्हें आराम कर रही हैं अभी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि भतीजी की तीमारदारी का असर हो रहा है। माशाल्लाह से अब तो वो खाना भी खा रही हैं अम्मी, और अब तो डॉक्टर ने वॉक भी शुरू करवा दी उन्हें। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं तो बहुत अपसेट थी फूफो की वजह से, बस सूप पे गुजारा हो रहा था उनका। दरअसल कल फ्लोरा की भी कॉल आई थी मेरे पास, अब मुझे समझ में नहीं आया कि दारा शिकू ने ये कॉल करवाई है या उसने खुद की थी। फ्लोरा का फोन? खैरियत क्या कह रही थी? तुमसे बात करना चाह रही थी। कही थी कि टीपू बहुत याद कर रहा है, कोमल मैम से बात करवा दे। तुम याद थी नहीं, मैं कैसे बात करवाती? टीपू तो मुझे भी बहुत याद आ रहा है अम्मी, मगर मजबूर हूँ, क्या करूँ। वो मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रही थी, कही थी कोमल बीबी का कोई और नंबर है तो वो मुझे दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं दिया, मैंने सोचा कहीं कोई और बात ना हो जाए। जी ठीक है, आपने ठीक किया हमें। अगर तुम मुनासिब समझो बेटा तो टीपू को कॉल कर लेना, इसमें क्या हर्ज है? पता नहीं अम्मी, दिलो दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश है। देखो बेटा ऐसा होता है, लेकिन फैसले हमेशा दिमाग से करने चाहिए। दिल के किए हुए फैसलों में तो इंसान हमेशा ठोकर खाता है। जी मैं सोचती हूँ अम्मी क्या करना है। आप बताएं पापा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं?
तुम्हारे पापा तो कल शाम से गांव गए हुए हैं। जी ठीक है मम्मी, मैं फिर आपको बाद में फोन करूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप उनसे कहना प्लीज कि टीपू उन्हें तंग नहीं करेगा, दूध भी पी लेगा, होमवर्क भी कर लेगा, बस वो आ जाए प्लीज। जी बेगम साहबा। जी आलिया। वो चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही हो? मुझे मुझे भगा के ले जाओगी क्या? बेगम साहबा ने कहा लॉन की सफाई करो। अबे फिर काम? अबे कभी प्यार की बात भी कर लिया कर, ये कान तरस गए प्यार की बात सुनने को। प्यार की बात और तुझसे? शक्ल देखिए तूने अपनी, तुझसे करूंगी प्यार की बात? मुझे पागल कुत्ते नहीं काटा जो तुझसे करूं प्यार की बात। आया बड़ा, तू बड़ी मिस वर्ल्ड आई ना कैटरीना कैफ। हाँ तू हर वक्त तू घर की मालकिन बनी भी होती है भाई। मैं हूँ घर की मालकिन, तुझे नहीं पता साहब और बेगम साहब ने मुझे बड़े प्यार से रखा हुआ है। तो वो तो मैं भी रख सकता हूँ, बस तू राजी हो जा, अपने दिल की रानी बना के रखूंगा तुझे। रानी बना के रखेगा तू मुझे? कहाँ की सल्तनत है तेरे पास, कहाँ रानी बना के रखेगा मुझे? तो किसी बड़े अमीर बंदे से शादी करूंगी, तू जैसे कंगले से नहीं करूंगी। खूब ख्वाब देख देख, खूब ख्वाब देख, ख्वाब में पाबंदी थोड़ी है, नसीब वाले से शादी करेगी। अल चल, काम की देर हो रही है, दबा जा ऐसे, चल मोटी चल। ओह जमीन हिल रही मोटी, ओह जमीन हिल रही है। ओह सोनी तुम इस वक्त? हाँ तारा, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और अपने बच्चे के पास आ गई। अंदर आ। जिंदगी का सफर बहुत लंबा हो गया, थका दिया इस सफर ने मुझे। टीपू को बुलाओ ना, उसे बताओ कि उसकी माँ आ गई है सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे रिश्ते नातों को तोड़ के। ठीक है बुलाता हूँ मैं उसे। बहुत दिन दूर रह ली मैं अपने बच्चे से और मेरा बच्चा मुझसे, आप नहीं रहेंगे हम। अब मैं तुम और टीपू हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई शख्स कोई रिश्ता नाता कोई रस्म रिवाज हमारे बीच में नहीं आएगा। अब चलो आओ। लॉरेंटी मुझे डांट क्यों रही है? इधर आओ, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों रहा। तुम सब ने ना इसको खराब किया हुआ है, दो हाथ तेरे मुंह पर पड़ेंगे ना तुझे लाके पता जाएगा। कसम से हद होती हर चीज की, न जाने किस बात का कॉम्प्लेक्स है उसे। चुमा चुमा 8 दिन हुए शादी को और ऐसी भी क्या बेहिसी कि उसने एक फोन कॉल तक नहीं की तुम्हें। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। Thank you.
क्या मैं आपके साथ कुछ देर यहीं बैठ सकता हूँ? अब तक नाराज है मुझसे? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ? नहीं नहीं, प्लीज आप यहाँ से उठ के मत जाइएगा। मैं पहले वाला वाजिल नहीं रहा हूँ जो बहुत कुछ चाहता था। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी खुशी और मुस्कुराहट के। मेरी बात का यकीन कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूं। मैं मजीद आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने गलतियां की हैं उनकी तलाफी जरूर करूंगा। टीपू पुत्र, टीपू बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। अच्छा काम आंटी। ओए आंखें तो खोल के देख, मैं तेरी माँ हूँ। अब लेकिन अभी तो यहाँ पे कोमल आंटी थी। तुम कोई ड्रीम देखा? नहीं नहीं, अभी कोमल आंटी यहाँ पे थी, वो मुझे प्यार कर रही थी। नो टीपू, ये तो सिर्फ मैम है और कोई नहीं है, मिस कोमल भी नहीं है। क्या कोमल कोमल की रट लगा रखी है तुम दोनों ने, पूरे घर पर जादू करके रख दिया उस जादूगरनी ने। फ्लोरा आंटी मुझे डांट क्यों रही है? इधर आओ, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों रहा। तुम सब ने ना इसको खराब किया हुआ है, दो हाथ तेरे मुंह पर पड़ेंगे ना तुझे लग पता जाएगा। मैम मैम, बच्चा है, ही नीड्स टाइम, उसको टाइम चाहिए, अभी समझ जाएगा। तुमने ना, तुमने सबसे ज्यादा इसको खराब किया हुआ। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसके दिमाग से इस चुड़ैल को निकालना है। माँ को माँ ही नहीं समझता है। मैम हम रिलैक्स, अब बैठ जाए, हम पानी लाए के लिए। रिलैक्स प्लीज, जाकर उसको देखो किधर गया। यस मैम। कसम से हद होती हर चीज की, न जाने किस बात का कॉम्प्लेक्स है उसे। जुमा जुमा 8 दिन हुए शादी को और ऐसी भी क्या बेहसी कि उसने एक फोन कॉल तक नहीं की तुम्हें। गलती मेरी थी अम्मी, मुझे उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए था, सब कुछ बता देना चाहिए था उन्हें। गलती थी नहीं कोमल, ये मसलहत थी। तुमने तो प्यार की इंतहा की, उसे हर लिहाज से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी तुम, लेकिन वो उसे एहसास तक नहीं इस बात का, समझ ही नहीं पाया वो तुम्हें। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा कोमल, प्लीज तुम ये रोना धोना बंद कर दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में किसी को भी कुछ पता चले। तुम जानती हो ना कि लोगों को बातें करने का बहाना चाहिए, बात सुनी नहीं के शुरू हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग माफ हो चुका है अम्मी, मगर कब तक ये बात छुपाए रखेंगे उनसे? देखो कोमल, जब वक्त आएगा उन्हें बताने का तो बता भी देंगे, लेकिन अभी खामोशी बेहतर है, क्योंकि अभी उनसे कुछ भी कहा तो उन सबको यही लगेगा कि गलती तुम्हारी थी और जो वो कहते थे वो सही था।
कोमल तुम रोना तो बंद करो। मुझे तो यही लगता है कि दारा शिकू को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा। वो नहीं आएंगे अम्मी, अपनी अन और ज़िद के बहुत सख्त हैं, वो नहीं आएंगे। एक दो दिन सब्र से काम लो, फिर कुछ ना कुछ सोचते हैं। अभी तो मैं हमाद से भी ये बात नहीं कर सकती क्योंकि वो तो पहले ही इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। मामा प्लीज मेरे बाबा से बात करा दें, जान से तो नहीं मारेंगे ना मुझे, मैं बेटी हूं उनकी। मेरी जान तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, वाकई में तुम उनकी औलाद हो इसलिए तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे घर से निकाल दो। लेकिन वो मुझे माँ ही नहीं समझता और ना ही मेरे पास आता है। टीपू अब 10 बरस का हो चुका है, इस उम्र में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तुम इस तरीके से उससे बात करोगी तो तुमसे और दूर हो जाएगा। तो क्या करूं मैं? वक्त का इंतजार, तुम्हें उसको वक्त देना होगा, क्वालिटी टाइम। और कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा। और वो जो उसकी माँ बनी फिरती है, फरंगन। फ्लोरा ने 5 साल उसे पाला है, तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना जब 5 साल का था। अब उसके लिए सब कुछ वही है। तुम उसके सामने अगर फ्लोरा से बदतमीजी करोगी, डांटोगी तो तुमसे नफरत करने लगेगा, चला जाएगा छोड़कर तुम्हें। अब मुझे जाना है, यूनिवर्सिटी देर हो रही है, बाकी बातें बाद में करूंगा। रिश्ता दिल को नहीं समझता है। मगर मुझे लगता है कि रिश्तों को दिल का रिश्ता समझा सकता है। तुम्हारा ये पागलपन सिर्फ मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेगा और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में अब तुम्हें वो जगह कभी नहीं मिल सकती जो तुम्हारी थी। अब मेरी जिंदगी पर सिर्फ कोमल का हक है और बस। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। कैसी हो तुम? फाइन। फाइन। आपके पापा नजर नहीं आ रहे? Oh, he's gone to the university. I think there was an urgent call for him, so we'll chill again. And yes, Miss Kamal, वो भी घर पे नहीं है। वो अपनी मम्मा के घर पे गई हुई है। आपको उनका घर का एड्रेस पता है? अच्छा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अंकल, अगर आप कोमल आंटी के घर जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। वो कब से कहती रहती हैं कि मैं आऊंगी, लेकिन वो आती नहीं है। Darling, she will call you. वो तुमसे बात करेगा, okay? अच्छा, प्रोफेसर साहब का कांटेक्ट हो तो बता दीजिएगा कि मैं आया था। Sure, I'll do that. अंकल, मैंने आपसे एक काम कहा है। मुझसे कौन सा काम? अंकल, आप मुझे उनके घर ले चलें, मुझे उनसे मिलना है। बेटा, अभी मुझे कहीं जाना है। अच्छा चलो, मैं काम करता हूँ, मैं कोमल जी के घर जाता हूँ। अगर वो वहाँ पर हुई तो मैं आपको ले जाऊँगा उनसे मिलवाने के लिए, ठीक है? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। चलो, अपना ख्याल रखना। बाय। Hello, sir. Hello. How was your day?
Not bad. That's good. I need to tell you. Basil aaya tha. Komal ka cousin? Yeah. I think usko nahi malum ki Miss Komal idhar nahi hai. टीपू का वो सो गया, बहुत मुश्किल से सोया. पहले सिर्फ आपको मिस करता, अभी मिस कोमल को भी मिस करता है. आ जाएगी कोमल इंशाल्लाह. कब कब आ जाएगा? बहुत जल्दी. थैंक गॉड. आई वाज सो कंफ्यूज, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था. आप प्लीज कैन यू आस्क मिस कोमल टीपू को फोन करे, बात करे. जब आ जाएगी तो बात भी कर लेगी, पहले उसे आने तो दें. मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही कि दारा शिकू को क्या जरूरत थी उस औरत को कार लाने की, जादू करने कहीं की. कर दिया होगा कोई जादू. बताओ बेटा, माँ को माँ ही नहीं कह रहा, कोमल आंटी कह रहा है. बस एक ही जुमला कहता रहता है. मैंने भी उसके जहन से ये नाम मिटाना ना दिया तो मेरा भी नाम सोनी नहीं है. देखती हूँ कब तक राज करेगी इस कार पर. किसने कहा था मिले रहम की भीख मांगने जाओ? बोलो. मैं भिखारी नहीं हूँ, वहाँ भीख मांगने नहीं गया था. तो फिर क्यों गए थे? उससे बात करने गया था, वो नहीं मिला, दोबारा जाऊंगा. गॉड, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस मामले में पढ़ना पड़ेगा. मुझे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा मामला नहीं है, दूर रहो इससे तो बेहतर है. समझे? नहीं समझा, क्योंकि दिल किसी की नहीं समझता. लेकिन रिश्ते दिल को नहीं समझते. मगर मुझे लगता है कि रिश्तों को दिल का रिश्ता समझा सकता है. तुम्हारा ये पागलपन सिर्फ मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेगा और कुछ नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. बस एक बार मुझ पर यकीन करके देखें, पहली आखिरी बार. हर चीज की ना एक हद होती है कोमल. बस बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी. चलो तुम मेरे साथ. मुझे समझ नहीं आ रहा मी, मैं कहाँ जाऊंगी? सारे रास्ते तो मैं अपने लिए बंद कर चुकी हूँ, तमाम कश्तियां जला चुकी हूँ. आपकी बेटी अब खाली हाथ रह गई है. क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कहाँ जाऊंगी कोमल? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं जिंदा खड़ी हूं ना, इधर मरी तो नहीं है ना अभी तुम्हारी माँ. मैं सब संभाल लूंगी. लेकिन बाबा तो मुझे नहीं देखना चाहते. जब वो आपके साथ मुझे देखेंगे तो मामा, मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की तलखी पैदा हो. इससे ज्यादा तलखी और क्या हो सकती है कोमल? सुकून नाम की तो चीज रही नहीं ना अब जिंदगी में. और तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारी परेशानी की वजह क्या है? वही दोनों आदमी जिनके हाथों में हमारी जिंदगी का अख्तियार है. तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ दो और चलो मेरे साथ. अशरफ, मामा एक और बार सोच ले. चलो. क्या हुआ सोना, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे.
और मुझे ना अकेले सोने की आदत नहीं है। रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि आप ना मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। वहम नहीं है मेरा, क्या बात है बताएं। बहुत रात हो गई मुझे, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, जाकर सो जाओ। बदल गए हो तुम, अब ना वो पहले वाली बात नहीं रही तुम में। औरत हूँ मैं और बीवी भी हूँ तुम्हारी। ये सब कुछ ना तुम उस कोमल की खातिर कर रहे हो, उसी ने खिलाफ किया है तुम्हें मेरे। किसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, ये सारा किया धरा तुम्हारा अपना है। कोमल अब मेरी बीवी है, मोहब्बत करती है वो मुझसे, बेतहाशा मोहब्बत, इतनी कि जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत की थी, फिर क्यों मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो? बीवी हूँ तुम्हारी, मोहब्बत भी की थी तुमसे। की होगी तुमने मोहब्बत, लेकिन अब हमारे दरमियान बहुत वक्त आ चुका है। अब मेरे लिए तुम सिर्फ टीकू की माँ हो, और वैसे भी तुमने हमेशा अपने भाई की मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पर तरजीह दी है। तभी समझा ही नहीं है मुझे। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए कोई जगह नहीं है। चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो ना। मेरी जिंदगी में अब तुम्हें वो जगह कभी नहीं मिल सकती जो तुम्हारी थी। अब मेरी जिंदगी पर सिर्फ कोमल का हक है और बस। जादू कर दिया उसने आपके सर पर, टाइन है आपकी नजरों में ना मुझे बुरा बना दिया। मेरा बच्चा और मेरा घर और मेरा शौहर छीन लिया मुझसे। बीबी जी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। मामा कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। और बाबा? नहीं वो तो अभी तक नहीं आए। बीबी जी आप रो रही हैं। तुम जाओ अपने कमरे में। अपने ही घर में मुजरिम की तरह रह रही है, एक ना करदा गुनाह की सजा भुगत रही है। बहुत महंगी पड़ी है तुम्हारी मोहब्बत आरा। ये गम मेरी जात को दीमक की तरह लग गया और मुझे एक दिन खत्म कर देगा, मगर शायद गलती मेरे अपनों की भी है। तुम्हें तुम्हारा जायज मौका मिलना तुम्हारा हक है, जो कोई तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बाबा और तुम्हारी इस जन्म मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। तारा शिकु ने घर बसाना है तो ठीक है, वरना मैं कह दूंगी कि तुम्हें खुला दे दे। आज से ना तूने मुझे मम्मी कहना है, ठीक है? फिर ना मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी और फिर हम ना एक साथ घूमने फिरने जाएंगे। वफा का ये मौसम, वफा का ये मौसम। आ जाओ। अरे कोमल तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? मामा क्या हुआ, क्या बात है, बैठो। बाबा ने मुझे देख लिया है। अच्छा कुछ कहा उन्होंने तुमसे?
मैंने उन्हें सलाम किया लेकिन उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। बेटा दिल छोटा नहीं करते, वक्त तो लगेगा हर चीज भुलाने में, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। बैठो इधर। मुझे तो बाबा के ऐसे रवैये से बहुत डर लग रहा है। कोमल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, ऐसी बातें सोचकर अपने दिमाग पर बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ सब्र करो, यहाँ मेरे पास। रोते नहीं है, परेशान नहीं होते, तुम्हारे बाबा हैं आखिर, हमेशा थोड़ी नाराज रहेंगे तुमसे। इंसान को इस कदर बेहिस या बेजमीर नहीं होना चाहिए, आखिर बीवी हो तुम उसकी। झगड़े लड़ाई हर मियां बीवी के बीच में होते, इख्तलाफ भी हो जाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसान पलट कर ही ना पूछे। हद हो गई। खुदा का वास्ता अम्मी बस कर दे, मेरे सर में इतना दर्द है कि लगता है कि दिमाग की कोई नस फट जाएगी या फिर मेरा दिल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत टूट गई हूं मैं, लेकिन अब भी मुझ में इतना हौसला बाकी है कि जी सकूं, लेकिन आप ये बातें करके मेरा हौसला भी तोड़ देती है। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी भी कुछ हो कोमल, तुम्हें ऐसे दुखी देख के मैं भी अंदर ही अंदर मर रही हूं। बहुत दुखी हूं मैं, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, कितने नाजों से पाला है मैंने तुम्हें, और आज मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने किस बेहिस इंसान के हवाले कर दिया तुम्हें। तुम्हारे पापा से मैं बात करती हूँ, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेंगे। अपू ने भी तो उनकी बेइज्जती की है, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उसका बदला तो वो मेरी बेटी से ले रहा है। मैं सिर्फ आपकी बेटी तो नहीं, हो सकता है कि वो बदला पापा की बेटी से ले रहे हो। पापा ने उनकी बेइज्जती की, उन्होंने उनकी बेटी की बेइज्जती कर दी, हिसाब बराबर। दिलों का सौदा था, खसारा तो उन्हें था। तुम्हारा कोई खसारा नहीं हुआ है कोमल, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी। अगर तारा शिको ने घर बसाना है तो ठीक है, वरना मैं कह दूंगी तुम्हें खुला दे दे। क्या ये क्या कह रही हैं? खुला, मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर हूं जहां नहीं तो मैं उस शख्स के साथ रह सकती हूं और ना ही उसे छोड़ सकती हूं। अच्छा वेख पुत्र, आज से ना तूने मुझे मम्मी कहना है, ठीक है? फिर ना मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी और फिर हम ना एक साथ घूमने फिरने जाएंगे, खूब सैर करेंगे। आपको पता है जब मेरी बर्थडे थी, मैं, कोमल आंटी, पापा, हम बाहर घूमने गए थे और हमने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम्स खाई थी। और पता है जब मेरा केक कट रहा था तो उन दोनों ने मुझे गिफ्ट भी दिए थे और मुझे विश भी करा था, बहुत मजा आया था। मैंने कितना वक्त जाया कर दिया,
कोमल ने वो सब किया जो मैं अपने बेटे के लिए नहीं कर सकी। सही कहा था तुमने दारा कि हम दोनों के बीच बहुत सा वक्त आ गया है। खुदगर्ज इंसान हो तुम शेरजान। अपने फायदे के लिए तुम अपनी बहन का सौदा करने आए हो। नहीं मामा, मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूँ जिसे जब दिल चाहा यहाँ से उठा के वहां रख दिया। मैं मान तो रहा हूँ कि क्या मान रहे हैं आप? क्या आज आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? कल कोई आपकी अना को ठेस पहुंचाएगा तो ये मोहब्बत फिर खत्म हो जाएगी।